हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दशा सीगल की। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो होप सो आप सबको लग रहा होगा कि आज मैं बढ़िया सा मेकअप लुक करने वाली हूँ हेमा मालिनी का, जो कि 60s का मेकअप लुक है। अलग सा तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना। और अब करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने फेस को क्लेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सीरम लगाने जा रही हूँ, डर्मटच का। ये बहुत ही अच्छा सीरम है और हेयर स्टाइल मैं बना के पहले से रख चुकी हूँ, क्योंकि मेकअप के ऊपर, हेयर लुक के ऊपर है। तो मैंने एक पोनी बनाया और एक्सटेंशन लगा ली और साइड कर लिया, बहुत आसान है। और एक चोटी बना के हेयर बैंड तरीके से लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब अपने फेस पर मैं मॉइस्चराइज लगाऊँगी, मॉइस्चराइज करूँगी अपने फेस को। तो पॉन्ड्स का पॉन्ड्स का लाइट क्रीम ले रही हूँ मैं यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि फेस अगर जब आपका मॉइस्चराइज होता है और आपका फेस की क्लीन होता है, तभी आपका जो केकी मेकअप है वो नहीं होता, तो बेस जो है बहुत अच्छा बन जाता है। तो अच्छी तरीके से लगाएं, स्किप ना करें प्राइमर और मॉइस्चराइज़र को। तो अभी यहाँ पर क्या करने जा रही थी मैं, यहाँ पे मैं फाउंडेशन दिखा के और फाउंडेशन लगाने जा रही थी, बल्कि मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना था क्योंकि मुझे प्राइमर लगाना था और मैं भूल गई थी प्राइमर लगाना। तो ये जो बचा कुछ फाउंडेशन है मैंने नेक पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पे, अपने ओपन पोर्स को भरने के लिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बेस पाने के लिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लूँगी, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेबेलिन का फाउंडेशन लूँगी और ये ख़त्म होने वाला है तो उसको पूरा यूज़ कर लूँगी मैं। तो अच्छी तरीके से मैं अपने अंडर आई एरिया पे और सब जगह अपने फेस पे लगा लूँगी इसे, क्योंकि फाउंडेशन से ही मैं ये लुक करने वाली हूँ, कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी मैं। आप फाउंडेशन से भी कंसीलर को आप इन्हेंस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मिनिमल प्रोडक्ट्स से भी आप अपने मेकअप को कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं हेमा मालिनी का मेकअप लुक करने वाली हूँ। तो अभी ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश है बिल्कुल ये फाउंडेशन वाला, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। देखो कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। जो फिटमी का 24 आवर्स वाला फाउंडेशन है ना, मैट वाला, ये बहुत ज़्यादा मैट है, एकदम स्किन पर चिपक जाता है, लिक्विड नहीं है, तो उसको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है ब्रश से गर्मियों में। तो अभी अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी। तो फाउंडेशन सेट हो चुका है। अब शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेकर मैं अपने फेस को सेट करूँगी, क्योंकि पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी, चाहे आप कॉम्पैक्ट लगाएं, चाहे आप ट्रांस, चाहे लूज पाउडर लगाएं, बट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपके फेस में फिनिशिंग तभी ही आती है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए लगाकर छोड़ दूँगी और अभी मैं करूँगी अपने आईब्रोज़ को अप्लाई। तो आईब्रोज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है, तो एकदम राउंड शेप में मैं आईब्रोज़ को अप्लाई कर लूँगी। जिस तरीके से हेमा मालिनी जी की आईब्रोज़ हो रखी हैं, वैसे ही सेम तरीके से मैं डार्क डार्क करूँगी, क्योंकि उसी तरीके से उनकी हो रखी है, उसमें कोई ऐसी शेप नहीं है, राउंड हो रखी है, बहुत प्यारी उनकी आईब्रोज़ है, उनको मैच करने। तो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मैं राउंड कर लूँगी लाइक दिस। सेकेंड आईब्रोज में कर ली मैंने, अब अपने पाउडर को हटाने का टाइम आ गया है, फटाफट से पाउडर को हटा लें और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप करके देखना, आपका फेस काफ़ी टाइम तक सेट रहेगा, 6-7 घंटों तक सेट रहेगा अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो, बट बेस आपका अच्छा होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है पूरा, नेक पे भी और अपने फेस पे भी। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। तो अब आई शेडो का टाइम आ गया है, तो वेट एंड वाइल्ड का पैलेट लिया है मैंने, इसमें से 2 लाइट शेड ले रही हूँ मैं बिल्कुल ही, क्योंकि उनकी जो आईज़ पिक में मैंने जो देखी वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मैं भी लाइट ही करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डार्क ना हो, उन्होंने ज़्यादा भी मेकअप नहीं करा, वो वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल है। तो मैं यहाँ पे लाइट कर रही हूँ, तो मैं पूरी क्रीज एरिया पे, पूरा अपर लाइन जो भी है वहाँ पर, पूरे मतलब आईज़ के ऊपर, लिट पे भी मैं एक ही शेड को अप्लाई करूँगी, तो वो ये शेड है। और अपने अंडर एरिया लाइन पे, वाटर लाइन पे भी मैं ऐसे अप्लाई कर लूँगी एक छोटे से ब्रश के साथ। आप भी छोटे से ब्रश के साथ अप्लाई करें, बड़े ब्रश से पूरा फैल जाता है।
तो अब यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का लाइनर ले रही हूँ, तो अभी मैं बड़ा सा विंग बनाऊंगी और इसको फिल करूँगी। तो काफ़ी मोटा और बड़ा विंग लाइनर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि 60s में 70s में तो आपको सबको पता ही होगा कि बड़े बड़े विंग लाइनर का टाइम था, उस टाइम लगाते थे, और जो कि अब चल चुका है। पर इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा ड्रामा दूंगी अपनी आईज़ को। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा विंग लाइनर मोटा लगा लिया है, अब इसको थोड़ा ऊपर लगाएंगे लाइक दिस। अब सेकंड आईज़ में भी मैं सेम ही करने वाली हूँ बिल्कुल। और फिर क्या करना है ना, आई लाइनर के नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करी हुई है वहाँ पर, तो वो भी मैंने कर दी है। अब ध्यान से देखेंगे तो जो हेमा मालिनी जी की आईज़ पे हो रखा है। तो अब यहाँ पे मैं आई लैशेज कर्लर से पहले अपने लैशेज को कर्ल करूँगी, क्योंकि आईज़ बड़ी दिखानी बहुत ज़रूरी है। उनकी आईज़ बहुत ही प्यारी सुंदर है और काफ़ी बड़े बड़े लग रही थी पिक्स में, उनकी लैशेज भी बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर मैं कर्ल करके दोनों को अब मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से अपने लैशेज पे अप्लाई कर लेना है, अपर लाइन पे भी, और अपर लाइन पे मैं एक ही कोटिंग करूँगी अपर लैशेज पे, और लोअर लैशेज पे मैं काफ़ी सारी कोटिंग करूँगी कि आप पिक में देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो लोअर वाली लैशेज है उन्होंने वहाँ पे ब्लैक लाइनर से लैशेस लगा रखी है, लैशेज को ब्लैक लाइनर से फिल कर रखा है। तो यहाँ पर मैं इसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा भरने वाली हूँ अपनी वाटर लाइन को, और मैं क्या करूँगी लाइनर की हेल्प से मैं अपनी आईज़ पे वो जैसे ही आप पिक पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं लाइन भी खींचूँगी, क्योंकि उस टाइम ये शायद होता होगा। तो अच्छे से यहाँ पे मस्कारा लगाने के बाद आप देख रहे हैं आईज़ काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, और यहाँ पर कुछ डॉट लग गया है बट इसको मैं हटा चुकी। वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ये ब्राउन ब्रॉन्जर शेड है बहुत ही प्यारा, तो इसको अपने स्किन पे मैं अप्लाई कर लूँगी यहाँ जॉ लाइन पे, और अपने चिक्स बोन पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो मेरा बड़ा सा मुँह है ये थोड़ा सा मतलब चीज़ी और शार्प लगे, लाइक हेमा मालिनी जी की तरह तो नहीं लग सकता बिल्कुल भी, बट वैसा ही सी थोड़ा बहुत दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम पे फेस इतने शार्प होते थे एक्ट्रेस के। तो यहाँ पर मैं जॉ लाइन पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी, देन अब सेकंड साइड को मैं यहाँ पे अपनी चिक बोन पे अप्लाई करूँगी। तो ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है गाइस। मैंने अमेज़ॉन से लिए थे ये, और एक फ्लैट छोटा सा ब्रश से मैं अपने नोज़ को अच्छी तरह कॉन्टोर करूँगी, ज़्यादा कॉन्टोर लगाऊँगी कि नोज़ अच्छी दिखे थोड़ी। तो इस तरीके से आप कंटूर कर सकते हैं अपनी नोज़ को, जैसे मैं कर रही हूँ एक छोटे ब्रश की हेल्प से। तो फोरहेड को मैंने कंटूर कर लिया है, उसके बाद ही मैंने नोज़ को कंटूर किया है। तो ये शुगर के ब्लश का पैलेट लूँगी मैं, इसमें हाइलाइटर ब्लश दोनों हैं, बड़ा प्यारा ब्लश है। इसमें कॉन्टोर भी था पर ख़त्म हो चुका, बहुत ही प्यारा ब्लश है। तो पूरे चिक्स बोन पे लगा दूँगी मैं आगे से लेकर पीछे तक, क्योंकि मेकअप लुक में यही हो रखा है, क्योंकि पहले तो ऐसा सीन नहीं था ना कि सिर्फ बोन पर लगेगा, पूरे चिक्स पे अप्लाई करती थी एक्ट्रेस ब्लश को, बहुत ही पिंकिश प्यारा ब्लश है, और उसी में से हाइलाइटर मैंने लिया है। तो मैं पूरे नोज़ पर लगा दूँगी और अपने आईज़ के ब्राउ बोन पे लगाऊंगी मैं इसे, जो कि बहुत ही अच्छा शाइन करेगा, और अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी मैं, ताकि थोड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आए, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा इसके बिना आई मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है। तो ये लग चुका है, बड़ा प्यारा हाइलाइटर है, ये 3-in-1 पैलेट है, काफ़ी सस्ते दाम में आता है, अगर आपको लेना हो आप 3-in-1 लो और स्टार्टेड हो। अब चिन पे भी लगाऊंगी मैं, उसके बाद मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी। पहले मैं कोशिश कर रही थी कि ब्रश से लगाऊं, एक ही ब्रश से आप सब मेकअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रॉन्जर भी कर सकते हैं, ब्लश भी लगा सकते हैं, हाइलाइटर भी। अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, पहले अपने हाथों से इस तरीके से लगा ले, फिर उसी ब्रश की हेल्प से जिससे आपने कॉन्टोर भी किया है और आपने ब्लश भी लगाया है, उसी ब्रश की हेल्प से आप अपने हाइलाइटर को लगा सकते हैं, तीनों एक साथ समझ हो जाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगता कि आपने अलग अलग कुछ करा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शुगर की मैं आई थिंक ये शेड क्या है यहाँ पे मैं लिख दूँगी, अगर आपको ये शेड अच्छा लग रहा हो तो। बड़ा प्यारा सा ये शेड है लाइट सा, जो न्यूट्रल से लिप्स हो रखे हैं हेमा मालिनी जी के, तो वैसे ही लिप्स मैं यहाँ पे करूँगी, तो बहुत लाइट लिप्स हैं। तो अच्छे से वी बना के मैं फिल कर लूँगी अपने लिप्स को, बड़ी प्यारी लिपस्टिक है ये, मिनी लिपस्टिक है शुगर की।
तो लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई, मेकअप डन हो चुका है एकदम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इयररिंग्स पहनेंगे इस तरीके के ब्लैक। टॉप मुझे सिमिलर नहीं मिला तो मैंने नेकलाइन मिलती जुलती पहन ली है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ये जो साइड में बालों का कराया है ऐसे, तो ये सेम मैंने ऐसे कर दिया, चोकर मैंने खुद से बनाया है गाइस। सो ये रहा मेरा मेकअप लुक आज का, होप्स आपको पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, और अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइस। और अगली आपको किस एक्ट्रेस की इंस्पायर्ड मेकअप लुक चाहिए तो मुझे बताना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। Thank you.